हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टू चैनल रिले को आर्डिनो से किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है ये देखेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे आर्डिनो उनो 5 वोल्ट टू चैनल ऑप्टोकपलर रिले, 5 वोल्ट का ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई और ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के लिए 12 वोल्ट का डीसी अडाप्टर और कुछ मेल फीमेल डुपॉन्ट वायर्स। इसकी वायरिंग समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। वायरिंग को लगाने और चेक करने में आसानी हो इसलिए आप किसी किस्म का कलर कोड का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव सप्लाई के लिए लाल और ग्राउंड के लिए काली वायर और सिग्नल के लिए पीली वायर का इस्तेमाल किया है। आर्डिनो की 5 वोल्ट और ग्राउंड के पिन से रिले के VCC और ग्राउंड को जोड़ें। आर्डिनो के पिन नंबर 7 और 8 से रिले के IN1 और IN2 को जोड़ें। ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई को रिले के JD VCC और ग्राउंड से जोड़ें। नए रिले में JD VCC और VCC के पिनों के ऊपर एक जंपर पिन लगी होती है, आपको उसे हटाना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जंपर पिन वापस लगाते समय उसे VCC और ग्राउंड, इन दो पिनों से ना जोड़ें। ऐसा करने पर अगर आप रिले आर्डिनो से और आर्डिनो पावर सप्लाई से जोड़ते हैं तो शॉर्ट सर्किट के कारण आर्डिनो और रिले के सर्किट के हिस्से जल सकते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोग्राम का कोड है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में दिए हुए कार्ड पर क्लिक करें।